Hi everyone, this is Yukti Belwal and this is your channel where you get all the information about studying MBBS abroad. So today's topic is about MBBS in Georgia. If you are not well versed with Hindi, please turn on the subtitles so that you can see the translation of the same in English. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं हर कंट्री वाइज जो करने वाली हूँ उसमें नेक्स्ट टॉपिक जॉर्जिया के बारे में है। जॉर्जिया एक बहुत डिज़ायरेबल कंट्री है और बहुत से बच्चे प्रेफर करते हैं जॉर्जिया जाने के लिए। वर्ल्ड वैराइटी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में टोटल 30 यूनिवर्सिटीज़ जॉर्जिया की लिस्टेड हैं, उनमें से 25 यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे उनमें से चार यूनिवर्सिटीज़ की जो बहुत पॉपुलर हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हैं। जॉर्जिया कंट्री की अगर बात करें तो जॉर्जिया इज़ द सिक्स सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये छठे नंबर पे सबसे सेफ कंट्रीज़ में आती है और इसी वजह से यहाँ पे आना जाना बहुत ही सेफ है स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप जॉर्जिया को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एज एन एनवायरमेंट, एज अ कंट्री, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेफ लगेगा। जॉर्जिया की करेंसी है जॉर्जियन लारी, जिसको जेल भी बोलते हैं, और एक जेल की कीमत है करीब करीब 25 रुपये अभी के रेट के हिसाब से। जॉर्जिया की वेदर की बात अगर की जाए तो जॉर्जिया का वेदर बहुत ही प्रेजेंट है। यहाँ पे इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती है इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इस वक्त भी वहाँ का टेम्परेचर करीब 31 डिग्रीज़ है, जो कि बहुत ही सूटेबल है और बहुत ही प्लेजेंट है। जॉर्जिया एक बहुत करप्शन फ्री कंट्री है, वहाँ पे करप्शन को बहुत हद तक अवॉइड किया जाता है। ऐसा कहना हमारे स्टूडेंट्स का भी, इंडियन स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि वहाँ पे करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होता उस लेवल का जितना इंडिया में या और कंट्रीज़ में होता है। जॉर्जिया का वीज़ा VFS के थ्रू लगाया जाता है, जो कि रिसेंटली उन्होंने VFS को अपना जो है वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, वहाँ पे जाके आप वीज़ा लगा सकते हैं। जॉर्जिया का वीज़ा उतना इजी नहीं है, इसका एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और तभी आप इसे लगा सकते हैं। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही अपना जॉर्जिया का वीज़ा लगाएं। तो शुरुआत करते हैं बातुमी शोतर रुस्तवली यूनिवर्सिटी से। बातुमी शोतर रुस्तवली को पहले बातुमी स्टेट यूनिवर्सिटी कहा जाता था, लेकिन जो शोतर रुस्तवली है इज अ नेम फॉर जॉर्जियन पोइट, जिन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर जॉर्जियन बुक लिखी थी जिसका नाम है द नाइट इन द पैंथर स्किन, और उसी के बाद इस यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर पड़ा। ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश तो हुई थी 1945 में, लेकिन मेडिकल इसमें शुरू हुआ है 1990 से। बातुमी शोतर रुस्तवली स्टेट यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये गवर्नमेंट द्वारा ही संचालित की जाती है। बातुमी शोतर रुस्तवली यूनिवर्सिटी बातुमी सिटी में है, जो कि तबिलिसी से 377 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और यहाँ पे आप वाया ट्रेन, वाया बस जा सकते हैं, वाया कार जा सकते हैं। इसमें टोटल वक्त आपको लगेगा 5.5 से 6 घंटे। अगर आप बात करें फ़्लाइट की तो डायरेक्टली आप दिल्ली से बातुमी भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो दिल्ली से बातुमी जाने के लिए आपके पास तरीका है कि आप सीधा बातुमी में भी लैंड कर सकते हैं। ये फ़्लाइट जो है वाया इस्तांबुल, वाया दुबई या वाया अलमाटी भी आप जा सकते हैं। इसमें टाइम लगता है आपको करीब 12 से 14 घंटे तक का वक्त आपको लग सकता है। जब मैं वहाँ गई थी तो मैं दिल्ली टू तबिलिसी ट्रैवल करके तबिलिसी से बातुमी वाया कार गई थी, और टू बी ऑनेस्ट इट वॉज़ अ वेरी नाइस जर्नी। यू कैन इन्जॉय द नेचर, आप इन नेचर को इन्जॉय कर सकते हैं। बात करें दिल्ली से तबिलिसी ट्रैवल करने की भी, तो बेसिकली 10 से 12 घंटे लगते हैं। यहाँ भी आपकी वाया फ्लाइट ही होती है, जो कि शारजा, दुबई या फिर कीव से आप वाया करते हैं उसको। मोस्ट प्रोबेबली जर्नी बहुत ही ईजी लगती है, बिकॉज आपको आराम से बाहर निकलने का वक्त मिल जाता है एयरपोर्ट्स पर, और आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बातुमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bsu.edu.ge। यहाँ पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट द यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मच मोर ऑथेंटिक है रादर देन एनी अदर वेबसाइट। बातुमी की ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है, इट्स $4,000, जो कि आपको करीब करीब 280,000 के आसपास पड़ेगा फॉर वन ईयर। आप चाहें तो इस फीस को सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं। MBBS कोर्स का ड्यूरेशन जॉर्जिया में 6 साल का है ऑफिशियली, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको फ्लेक्सिबल भी देती, लेकिन बातुमी में अब से 6 साल का ही होगा। तो यानी कि आपको
टोटल 12 सेमेस्टर्स की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें आपको 360 क्रेडिट्स को अचीव करना होगा, यानी कि 60 क्रेडिट्स पर ईयर। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी बातों में की सारी वीडियोस दे सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स लगा दूंगी। उन वीडियोस को देखकर आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी, इसकी क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, इसके बारे में पता चलेगा। प्लस कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो वहाँ के स्टूडेंट्स के हैं, उन्हें भी देख के आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि आपको बातूमी क्यों जाना चाहिए। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी पहले से ही स्काइप इंटरव्यू लेती है ताकि वो बच्चे से कम्युनिकेट करके उनकी इंग्लिश को जज कर सके और उसी के हिसाब से उन्हें आगे एडमिशन को प्रोसेस करवाएं। तो अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो पहले आपका एक स्काइप इंटरव्यू होगा, जिसमें जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो आपका 10 मिनट्स का इंटरव्यू लेके आपको आगे फिर प्रोसेस करेंगे कि क्या आप आगे पढ़ने जा सकते हैं। और अगर आप जा सकते हैं तो आपको एडमिशन लेटर इशू हो जाएगा, अगर आप उन्हें नहीं लगता है कि आप सूटेबल हैं तो आपका एडमिशन लेटर नहीं आएगा। अगर लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करें तो काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे। इनफैक्ट बुकमाई यूनिवर्सिटी ने भी अराउंड 225 स्टूडेंट्स को जॉर्जिया भेजा, जिसमें से काफ़ी बच्चे बातूमी शतर स्तरली में पढ़ने के लिए गए थे और अभी भी वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। एंड दे आर प्रीटी सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स एंड द स्टडी पैटर्न। बातूमी में बातूमी का जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बातूमी स्टेट हॉस्पिटल, जिसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी। और यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। मैंने उनके प्रोग्राम डायरेक्टर को भी इंटरव्यू किया था, जो इंटरव्यू आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बातूमी शतर उस्ताद अली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टडी नेशन 360 इज़ ऑथराइज्ड फॉर इंडिया, श्रीलंका, UAE एंड मिडल ईस्ट। तो अगर आप इन कंट्रीज से हैं और आप एडमिशन चाहते हैं बातूमी शतर उस्ताद अली यूनिवर्सिटी में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं ऑथेंटिकली। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, विच इज़ न्यू विजन यूनिवर्सिटी। न्यू विजन यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये सिचुएटेड है तबिलिसी स्टेट में, जो कि वहाँ का कैपिटल है जॉर्जिया का। और बहुत ही अच्छी जगह है तबिलिसी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। और यहाँ पे ही सिचुएटेड है न्यू विजन यूनिवर्सिटी का कैंपस। यहाँ के इनके पास दो कैंपस हैं, पहले इनके पास एक ही कैंपस था, यहाँ पे दो कैंपस हो गए। न्यू विजन यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पे, जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। तो इस वीडियो की ख़त्म होते ही आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है 2013 में। इसका एक यूनिक फीचर ये है कि न्यू विजन यूनिवर्सिटी का अपना ही हॉस्पिटल, जिसका नाम है न्यू विजन हॉस्पिटल, और यहीं पे बच्चे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं। न्यू विजन यूनिवर्सिटी एक अकेली यूनिवर्सिटी है जो फ्लेक्सिबल सिस्टम प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे और अकेडमिक लेवल से वो 5 ईयर में भी यहाँ का कोर्स कम्प्लीट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ECTS प्रोग्राम, द मिनिमम क्रेडिट्स टू बी अचीव, मिनिमम आप 60 क्रेडिट्स आपको मिनिमम अचीव करने होते हैं, आप मैक्सिमम 75 क्रेडिट्स तक अचीव कर सकते हैं। तो उनका एक और प्लान है जिसमें वो 72 क्रेडिट्स पर ईयर रखते हैं, जिससे आप 5 साल में भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। न्यू विजन की वेबसाइट है www.newvision.ge, जहाँ पे आप जाके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। न्यू विजन यूनिवर्सिटी में केवल इंडिया से ही नहीं बल्कि और कंट्री से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और ये बहुत पॉपुलर है, ना केवल मेडिसिन के लिए बट अदर कोर्सेज के लिए भी। तो अगर आप मेडिसिन के अलावा किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप न्यू विजन यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। जॉर्जिया की सारी यूनिवर्सिटी बोलोनिया प्रोसेस के अंडर आती है और लिस्बन एग्रीमेंट के अंडर आती है, तो इसलिए आप बहुत सी EU कंट्रीज़ में आगे जाके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, या वहाँ के लाइसेंस एग्जाम्स देकर, इंटरव्यूज़ देकर वहाँ पर पढ़ाई या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यू विजन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके थ्रू बच्चे स्टूडेंट सेल्फ गवर्नेंस में भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, और स्टूडेंट के काउंसिल होने की वजह से बच्चे अपने ग्रीवेंसेस जो है स्टूडेंट हेड को बता सकते हैं। बात करते हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटी की। यूरोपियन यूनिवर्सिटी एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है जॉर्जिया की, जहाँ पर भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 2015 में, और यहाँ पे भी मेडिकल के अलावा बहुत सारे और कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, ना से केवल इंडिया से बट बहुत सारी अदर कंट्री से। यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है $5,000, जो कि आपको करीब 3,40,000 रुपीज़ पर ईयर पड़ेगा। यूरोपियन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.eu.edu.ge, यहाँ पर जाके आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यूरोपियन यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यहाँ के टीचर्स और अकेडमिक स्टाफ हाईली स्किल्ड और हाईली क्वालिफाइड हैं। काफ़ी स्टाफ इंटरनेशनल एजुकेशन के साथ यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है काफ़ी बेटर रहता है। अब बात करते हैं
जॉर्जिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है तबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो ये इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 95 ईयर्स के अप्रॉक्स हो चुके होंगे, क्योंकि जब मैंने वहाँ ट्रैवल किया था तब 95 हो चुके थे, तो शायद इट्स अबाउट टू सेलिब्रेट इट्स एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी ऑल्सो। तबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोग्राम शुरू हुआ था 1996 में, और यहाँ पे सिर्फ एमडी प्रोग्राम के अलावा एक अमेरिकन एमडी प्रोग्राम भी होता है, जिसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है और फीस थोड़ी ज़्यादा है, पर यहाँ बेसिकली जो टीचर्स आते हैं वो आते हैं अमेरिका से, और आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी इनका टाइड अप हॉस्पिटल है इमोरी, जो कि जॉर्जिया अटलांटा में है, जहाँ पर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। तो बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है, इससे बहुत सारे डॉक्टर्स, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 डॉक्टर्स ऑलरेडी ग्रेजुएट होके काम कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.tsmu.edu। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है $8,000, जो कि आपको अभी के रेट से अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज़ पर डे पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते वक्त आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि क्या वो यूनिवर्सिटी आपके बजट के अंदर आ रही है, प्लस वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं आपको वही फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं या नहीं है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाएँ। बेसिकली सारी यूनिवर्सिटी जो मिनिस्ट्री होती है एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ जॉर्जिया, उससे अप्रूव्ड होती है। तो आप प्राइवेट में पढ़ें या गवर्नमेंट में पढ़ें, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, WHO और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी इन दोनों टाइप की यूनिवर्सिटी में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। बेसिकली अगर आप अपनी कंट्री में पढ़ रहे हैं तो इसका फ़र्क शायद आप पे पड़े कि आपने गवर्नमेंट से किया है या प्राइवेट से किया है, लेकिन अब्रॉड में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, और अगर आप स्टूडेंट रिव्यू की बात करें तो इक्वल रिव्यू आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का भी। जॉर्जिया कंट्री एस्पायर कर रही है बहुत जल्द EU में, यूरोपियन यूनियन में आने के लिए, और बहुत सारे इसलिए उनके वीज़ा प्रोसेस में, वीज़ा रिक्वायरमेंट में बहुत चेंजेस भी आ रहे हैं, बिकॉज दे आर फॉलोइंग दीज थिंग्स दैट ऐसा ना हो कि उनका जो कंट्री है वो गेटवे बन जाए फॉर anyone to enter into Europe illegally। इसी वजह से उनके जो वीज़ा नॉर्म्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, अपना एडमिशन प्रोसेस करवाते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी कि आपका एडमिशन में कोई इशू आएगा या फिर डिपोर्टेशन जैसी सिचुएशन आएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कम रहेंगे, उसी वजह से जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपको वापस भेजते हैं। अदरवाइज बुक माई यूनिवर्सिटी ने जितने भी एडमिशन और रजिस्ट्रेशन करवाए थे और जितने बच्चे जॉर्जिया के लिए निकले थे, वो सभी जॉर्जिया में पहुँचे थे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि जॉर्जिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है MBBS की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, वहाँ के टीचर्स की एकेडमिक क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी इकोनॉमिकल है, और यहाँ की यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। अगर आपको अपनी सिटी, अपने स्टेट से किसी स्टूडेंट का रेफरेंस चाहिए होगा जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहा है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम रिव्यू के लिए आपको उनका नंबर शेयर करेंगे, ताकि आप उनसे पर्सनली बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। जॉर्जिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हॉस्टल की फैसिलिटी खुद से प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन रिसेंटली अभी यूरोपियन यूनिवर्सिटी ने अपना नया इंफ्रास्ट्रक्चर्स किया है शुरू, जो हॉस्टल्स के लिए है। अदरवाइज़ ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेफर करते हैं प्राइवेट अकोमोडेशन, जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाता है वहाँ पर, और कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आती नहीं है, और वो काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहता है। सो बेसिकली $200 to $500 आपका पड़ता है मंथली, जो कि 2 से 3 स्टूडेंट्स अगर एक साथ रहते तो वो बहुत ही कम आता है, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 to 60,000 रुपीज़ पर ईयर। इसके अलावा आपके फूड एक्सपेंस आएंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 70,000 to 80,000 रुपीज़ पर ईयर आएंगे। तो आपका 1,20,000 से लेकर 1,50,000 रुपये का ईयरली खर्चा आएगा रहने और खाने का। तो बातुमी यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर आपको करीब 18 लाख के आसपास आएगा, और खाना पीना मिला के आप अप्रॉक्सीमेटली 25 से 27 लाख रुपए का आपका पूरा टोटल खर्चा आएगा। हॉस्टल एंड फूडिंग का मिला के आपको न्यूब्रिज यूनिवर्सिटी का जो
पूरा बजट पड़ेगा वो पड़ेगा 36 लाख। अगर बात करें यूरोपियन यूनिवर्सिटी की तो वहाँ पे जो आपका खर्चा है वो करीब करीब 22 लाख रुपये ट्यूशन फी का स्ट्रक्चर है, एंड अगर ऐड करें 8 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली आपके हॉस्टल एंड फूडिंग का, तो 30 लाख का अप्रॉक्सीमेट बजट पड़ता है यूरोपियन यूनिवर्सिटी का। बात करते हैं तिबलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसका बजट थोड़ा हाई है, $8,000 पर ईयर, तो 6 ईयर्स का $48,000 होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 35 लाख के आसपास अगर हम कैलकुलेट करते हैं, और ऐड करते हैं इसमें आपका 8 लाख रुपीज़ के आसपास फूडिंग और हॉस्टल, पूरा जो फीस स्ट्रक्चर है वो 43 से 45 लाख के आसपास पड़ेगा तिबलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, डिसाइड कर सकते हैं कि MBBS जॉर्जिया में करने के लिए आप कौन सी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना चाहते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए बुक माई यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करना ना भूलें, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लें यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर आप जॉर्जिया जाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो ये जर्नी है MBBS इन जॉर्जिया का वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द मैं दूसरी वीडियोज़ और दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। आगे हम बात करेंगे बेलारूस के बारे में और किर्गिस्तान के बारे में। ऐसे लाइक करते रहिए मेरी वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल MBBS अब्रॉड की और भी सही जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।